Hey, what's up, people? Hope you guys are doing great and would be at pink of your health. As I promised, आज सैटरडे है और आज मैं कॉलेज जा रही हूँ और मैं आपको आज बेसिकली दिखाती हूँ कि कॉलेज कहाँ पे है, क्या है कैंपस, कैसा है कैंपस, आपको कालिंदी के बारे में ढेर सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सुनते तो बहुत आए हो, आज देखोगे तो यार कंटिन्यू द ब्लॉग। आपको यहाँ पे पटेल नगर दिख रहा होगा, उसके पहले यहाँ पे राजेंद्र प्लेस दिख रहा होगा। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड, अगर ब्लू लाइन से बेसिकली आप आ रहे हो फ्रॉम वैशाली और फ्रॉम नोएडा राजीव चौक से होते हुए, देन कालिंदी के पास में जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो बेसिकली राजेंद्र प्लेस है। तो अगर आप पटेल नगर भी उतरते हो तो उधर से आपको ज़्यादा डिस्टेंस हो सकता है आपकी तरफ से, बट इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड इधर वैशाली और नोएडा, so this is with the best one, Rajendra place, and I'll show you the distance. I think it's near about 1 kilometer or something. So गाइज, जब भी आप एग्ज़िट करते हो, ठीक है, तो मैं यूजुअली ये गेट नंबर 4 से एग्ज़िट करती हूँ। सो आई शो यू, जब आप गेट नंबर 4 से एग्ज़िट करोगे ना तो आप बेसिकली हाईवे मतलब रोड के इस तरफ होंगे, तो आपको रोड क्रॉस करने पड़ेंगे। सी यू कैन सी थ्रू गेट नंबर 4, और कई सारे मेट्रो स्टेशन के अलग अलग गेट्स होते हैं और वो अलग अलग जगह पर खुलते हैं। As you can see, people coming from that side, right? तो यहाँ से आपको कोई रिक्शा नहीं लेना अगर आप गेट नंबर 4 से एग्जिट कर रहे हो। यहाँ से कोई भी रिक्शा आपको कालिंदी कॉलेज नहीं लेके जाएगा और दे विल चार्ज यू थोड़ा ज़्यादा मनी, ठीक है। तो यहाँ से आप रोड क्रॉस करके बेसिकली आपको उस साइड जाना है, तो आई विल शो यू ना। बेसिकली मैं इस साइड थी, आई क्रॉस द रोड और यहाँ पे आपको सामने फूड बस दिखेगा। तो बेसिकली हमें यही वाला साइड है और दिस इज़ गेट नंबर 2। तो अगर आप गेट नंबर 2 से एग्जिट कर रहे हो तो बस राइट देयर यू विल गेट द फूड बस और उसी साइड आपको जाना है। एंड अगर आप गेट नंबर 4 से एग्जिट मारते हो तो आपको रोड क्रॉस करके इस साइड आना है ये फूड बस की तरफ, और आप जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे ये आपको ढेर सारे रिक्शा आपको मिल जाएंगे पहले ही। एंड एवरी रिक्शा या जो भी आप लेते हो, यू हैव टू से कालिंदी कॉलेज, वो पहले से ही चलाते होंगे कालिंदी कॉलेज, दे विल जस्ट चार्ज यू 10 रुपीज़। कालिंदी कॉलेज सी लाइक दिस राइट। अगर आप रिक्शे से आते हैं तो ये आपको गुरुद्वारे के सामने ये यहाँ पे उतार देंगे, देन आई गेस आपको जो है लेफ्ट साइड टर्न होना है और कालिंदी के कैंपस बेसिकली यहाँ से शुरू हो जाते हैं। जस्ट यू हैव टू गिव वो स्ट्रेट और यू कैन सी दिस इज आवर कैंपस। ये कालिंदी का ही कैंपस है, ये पार्किंग वगैरह कालिंदी की ही है। और हियर कम्स द मेन गेट ऑफ कालिंदी। या यू कैन सी द पोस्टर टू, ये कालिंदी कॉलेज का पुराना सा पोस्टर लगा हुआ है। द एरिया इज बहुत पॉश एरिया है, पूरी रेजिडेंशियल एरिया है ये। यू कैन लुक फॉर पीजी या बाय, मिल जाएंगे आपको सारे। सो या वी आर गेटिंग इन। सो या हियर आई एम इन, और ये आपके सामने ये आपकी मेन बिल्डिंग कालिंदी की दिख रही होगी, और ये गणेश जी की मूर्ति, तो असादर प्रणाम टू गणेश जी। सी गाइस, बहुत सारे साइड्स हैं इधर, हियर राइट साइड लेफ्ट साइड, एंड यू कैन सी गर्ल्स कमिंग, सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी हैं। और अब हम चलते हैं, बेसिकली आई एम गोइंग राइट साइड, ठीक है। तो एज यू कैन सी दिस, ये रहा सारे यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस मिल गए हैं। इतनी सारी चीज़ें इधर हैं और इतनी सारी चीज़ें इधर हैं, तो बेसिकली मैं पहले लेफ्ट साइड चलती हूँ नॉट राइट साइड।
ये यहाँ पे ये जो झूला है ये बेसिकली नया लगा हुआ है, तो यार एक एड ऑन चीज कालिंदी के अंदर। बेसिकली सारे क्लासेस चल रहे होंगे अभी, तो बहुत शांति है। और ये आपका मदर डेयरी फॉर योर आइसक्रीम स्टाफ्स, और ये आपका सी, नाउ यू विल स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम हियर। बाकी नेस्कैफे एज यू हैव माइट हैव हर्ड, सी द ग्रीनरी वी वर टॉकिंग अबाउट इज दिस, एंड हियर इज योर कैंटीन। सो ये वही कालिंदी का कैंटीन है जिसके लिए कालिंदी बदनाम भी है। बेसिकली मैं कैंटीन से हो करके आई एम चेंजिंग माई वे। ये कुछ नया इधर हो रहा है एक्सपेरिमेंट, आई डोंट नो व्हाट्स दिस, मैं ज़्यादा आती नहीं हूँ। इस साइड बेसिकली म्यूजिक रूम और लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम इस साइड है, एंड दिस इज साइंस ब्लॉक, तो एक बारी जो है, एंड दिस इज एकेडमिक ब्लॉक, इधर सारी क्लासेस चलती हैं। ये एक यहाँ पे नो फॉर सिटिंग एंड ऑल, कैंटीन के बाहर में आपको दिखेगा। और या सी एक नो ग्रीनरी ग्रीनरी एंड ग्रीनरी, तो इधर कुछ एक बिल्डिंग ये रही एज यू कैन सी। बाकी दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस वेयर स्टूडेंट यूज टू सिट, अपनी फ्री टाइम में स्पेयर टाइम में इधर ही बैठते हैं। दे एंजॉय हियर ओनली। गाइस कैमरा हिल रहा होगा तो प्लीज़ माफ़ करना, मैं बहुत अच्छी कैमरा हैंडल नहीं करती, बट आई एम ट्राइंग। सो बेसिकली ये यू कैन सी एनसीसी रूम, म्यूजिक डिपार्टमेंट, म्यूजिक रूम, लाइब्रेरी है ये आपकी। अंदर अलाउड नहीं हुआ कैमरा, आई थिंक देयर इज समथिंग। संगम परिसर, ओके दिस इज नाइस, कुछ चल रहा है। So something is going on inside. मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। जिस हॉस्टल की हम लोग बात करते हैं कि कुछ हॉस्टल जैसा बन रहा है, तो दिस इज ये रहा। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लगभग एक साल लग जाएंगे मुझे लग रहा है। आई गेस फ्रेशर्स अगर आप सेकेंड ईयर में आओगे तब आपको मे बी ये हॉस्टल मिल पाए। तो यू कैन सी एक बिल्डिंग ये है, इसको TRI ब्लॉक हम लोग बोलते हैं। और कुछ फंक्शन चल रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग हियर, तो ये उसके लिए है। और ये आपका TRI ब्लॉक है, ये भी कोई ना कोई ब्लॉक होगा, ये चाहिए साइंस ब्लॉक है। सो रहा क्लासेस माइट बी गोइंग ऑन, हाय गर्ल्स। तो ये कुछ है, पता है जब क्लासेस होती है ना, तो इस एक क्लास इधर एक क्लास इधर, इस बिल्डिंग में तो पैरों में दर्द बेसिकली हो जाता है। सी दिस इज समथिंग, उधर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बास्केटबॉल कोर्ट है उधर, इधर कुछ स्पोर्ट्स रूम, और इधर में स्पोर्ट्स रूम और बाकी NCCC वालों की चीज़ें हैं। एक ये वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, जो भी बोल लो इसको। तो एज यू कैन, तुमने देखा होगा ना मैं भी वहाँ पे थी, तो मैं उधर से इधर आ गई। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर फिर भी काफ़ी अच्छा खासा मतलब है इसका कालिंदी के चीज़ें। प्लांटेशन इज गोइंग ऑन, फूल लग रहे हैं सुंदर है।
आई हैव शोन कि उधर से मैं आ रही थी, मैं उधर से पूरा ऐसे 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 घूम के फिलहाल मैं फाइनली इधर आ चुकी हूँ। और इधर भी कुछ चीज़ें हैं, आई गेस फोटो कॉपीज, रॉक्स रूम कुछ इधर है। मैं कभी इधर आई नहीं बाय द वे। उधर पार्किंग है आगे जा कर के। हाँ, ये भी गार्डन काफ़ी अच्छा है वैसे, हर्बल गार्डन ऑफ कालिंदी। ये बेसिकली जब सीज़न होता है तो ये फ़ोटो शूट का अच्छा होता है कालिंदी का, कालिंदी कॉलेज का बोर्ड बाहर से। और ये आपका गुरुद्वारा जो मैंने बताया था बाहर में है ना, वो है। सो चलते हैं इधर से। आई गेस 5-6 बिल्डिंग्स हैं दूर दूर करके, बस पैरों में दर्द। और जहाँ से अभी मैं आई थी, आई एंटर्ड, आई जस्ट केम बैक, फटाक से एक राउंड मारा मैंने। ये बड़े बड़े पेड़ भी अच्छे लगते हैं कालिंदी। बाकी अंदर की ऑफिशियल चीज़ें आप अंदर आके देखें। तो मैं आ गई वापस आपके कालिंदी मेन बिल्डिंग पे। तो सैटरडे है तो बच्चे भी बहुत कम ही दिख रहे हैं मुझे, और दैट्स ऑल। एक बार ही मैंने पूरा टूर करा दिया आपको कालिंदी का, एंड आई थिंक आई शुड लीव कालिंदी नाउ। मेरी भी क्लासेस हैं और बहुत सारे बच्चे भी क्लासेस में होंगे तो क्राउड दिख नहीं रही है। तो दैट्स ऑल फॉर कालिंदी, सब अपने अपने कामों में है बिजी। तो होप यू लाइक दिस, यही है आपका बच्चों कॉलेज। क्लासरूम एक बार दिखा सकती हूँ, आई एम शोइंग द क्लासरूम। सो दीज आर सम ऑफ द क्लासेस फिलहाल। और बहुत स्कूल से कॉलेज काफ़ी डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। खाली क्लासेस में लड़कों का गपशप। हाय।